हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक सैंपल पेपर लेके आया हूँ। कौन सा सैंपल पेपर है? ओसवाल का सैंपल पेपर है। इसके अंदर जो है, ओसवाल के सैंपल पेपर के अंदर हमने जो क्वेश्चन देखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, यानी बवाल एकदम सिस्टम है इनका क्वेश्चन का। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर करेंगे तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से फोड़ सकते हैं। तो इसके वीडियो के अंदर मैं साइंस के अंदर 10th क्लास के अंदर केमिस्ट्री वाले पार्ट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सैंपल पेपर के अंदर वो आपको कवर कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। यानी सेक्शन ए में आपको जो है 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के तीनों के होने वाले हैं। लेकिन हम, मैं इस वीडियो के अंदर केमिस्ट्री के कवर करूंगा। इसी तरीके से दूसरी वीडियो आएगी उसके अंदर फिजिक्स के कवर होते हुए आपको दिखेंगे, तीसरी वीडियो के अंदर आपको बायोलॉजी के कवर होते हुए मिलेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सेक्शन ए में, जिसके अंदर आपसे 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और जो एमसीक्यू की मार्क्स होगा वो 1 मार्क्स का होगा, यानी हर एमसीक्यू एक एक नंबर का होगा और आपसे 20 सवाल एमसीक्यू के पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो केमिस्ट्री पार्ट में होगा वो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फिनोमिना अकर, यानी क्या होगा जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एसिड को ऐड करेंगे, कहां पर? वाटर के अंदर। तो जब हम क्या करें, एक बीकर है हमारे पास, उसके अंदर बहुत सारा वाटर है यानी H2O है, उसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, एच पॉजिटिव आयन यानी एसिड को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एसिड क्या होता है जो एच पॉजिटिव आयन देते हैं। इसका मतलब हम डायरेक्टली एच पॉजिटिव आयन को ऐड करने लग रहे हैं H2O के अंदर। तो यहां पर क्या होगा यदि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करेंगे? तो पहला तो डायल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा? डायल्यूशन हो सकता है क्योंकि हमें पता है। तो इसके अंदर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया कि आयनाइजेशन होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, डायल्यूशन होगा या साल्ट का फॉर्मेशन होगा। और ऑप्शन भी दिए हैं आपको, पहला होगा, तीसरा होगा या दूसरा और तीसरा होगा, या पहला और दूसरा होगा, या फिर डी में दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात, जब हम एसिड को डालते हैं वाटर के अंदर तो सबसे पहला उसका डायल्यूशन होता है और दूसरा क्या होता है, आयनाइजेशन। यानी आयनाइजेशन का मतलब है अपने आयन्स में टूटना। जैसे आप HCl ऐड करोगे तो वो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा। यदि आप H2SO4 ऐड कर रहे हो, यानी ये भी एक एसिड है, इसको ऐड करोगे तो वहां पर ये भी अपने आयस में टूटेगा, यानी H पॉजिटिव और SO4 2- में टूटेगा, तब जाकर डायल्यूशन होगा। तो यहां पर दो प्रोसेस होंगे, एक आयनाइजेशन होगा और दूसरा डायल्यूशन होगा। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर, जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड को ऐड करते हैं वाटर के अंदर, तो होता हुआ दिखेगा आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और तीसरा वाला। यहां पर चेक करेंगे पहला और तीसरा कौन से में है, पहला और तीसरा ए ऑप्शन में है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन क्या है, आयनाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इट्स रेस्पेक्टिव आयन। जैसे HCl है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटा, तो उसे क्या बोलते हैं, हम आयनाइजेशन बोलते हैं। और वो मिक्स होगा एसिड के साथ तो डिक्रीज करेगा कंसेंट्रेशन को, इसका मतलब डायल्यूशन होगा। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। जो ब्यूटेनोइक एसिड है उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला करेक्ट वाला कौन सा होगा? तो ब्यूटेनोइक एसिड हमारे पास यदि दिया है तो सबसे पहले हमें देखना होगा इसके अंदर ब्यूटेन लिखा है, इसका मतलब कितने कार्बन की चेन होगी, चार कार्बन की। कितने कार्बन की चेन होगी, चार कार्बन की, यानी चार कार्बन के एटम एक चेन में बना रहे होंगे। ओइक लिखा है, ओइक यदि कहीं पर आता है इसका मतलब उसके अंदर COOH ग्रुप है। क्या ग्रुप है, COOH। इसका क्या नाम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होता है इसका बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब वहां पर COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो गिन लेते हैं कहां पर कार्बन कितने हैं, एक दो तीन चार, यहां पर चार कार्बन है, एक दो तीन चार, चलो चार कार्बन हो गए, COOH ग्रुप हो गया, इसका मतलब ओइक भी हो गया। अगले में चलते हैं, अगले में एक दो तीन चार ही कार्बन है, चार ही कार्बन है लेकिन OH ग्रुप है। यदि OH ग्रुप है इसका मतलब ये एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। अगले पर चलते हैं, अगला क्या है, एक दो तीन चार, यहां पर भी चार कार्बन है और ओइक ग्रुप भी आ रहा है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर क्या है, ब्यूटेन ओइक एन आ रहा है, इसका मतलब एल्केन होगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन यहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में एक दो तीन चार पांच,
पांच कार्बन हो गए, लेकिन ब्यूटेनोइक इसका मतलब क्या होता है, जो ओइक एसिड होता है जैसे COOH, इसका जो कार्बन है वो चेन में काउंट किया जाता है, यानी ब्यूटेन का मतलब चार कार्बन, तो चार कार्बन के अंदर जो COOH में कार्बन जो प्रेजेंट है वो भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब यहां पर पांच है, ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर केवल आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटेनोइक एसिड मतलब चार कार्बन, ओइक मतलब कि COOH ग्रुप होगा उसके अंदर, तो आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज आर COOH, वेयर आर इज एनी अल्काइल ग्रुप, जैसे यहां पर अल्काइल ग्रुप हो गया ये वाला, इतना पार्ट ये क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा इसके अंदर, बिकॉज ब्यूटेन शो द प्रेजेंस ऑफ चार सिंगल कार्बन बॉन्ड्स, ओइक एसिड है और साथ में, जिसकी मदद से कहता है कि ये वाला ग्रुप होगा, तो हम कह सकते हैं फॉर्मूला ब्यूटेनोइक एसिड का ये हो जाएगा, सिंपल स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू H2O, जब कंसंट्रेटेड एसिड को ऐड करेंगे वाटर के अंदर, एसिड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, तो बताइए क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है या नॉर्मल होती है रिएक्शन, या फिर रिएक्शन ही नहीं होती, या फिर एंडोथर्मिक होती है। तो बताइए, जब भी हम वाटर के अंदर एसिड को ऐड करते हैं, यानी उसका डाइल्यूशन करना है, कंसेंट्रेशन को घटा, तो वहां पर क्या होता है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, और हीट का निकलना ही क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, इसका मतलब आंसर ए सही होगा। क्या होगा आंसर ए सही होगा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा, ऑन एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड को ऐड करने पर पानी में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिवॉल्व, यानी हीट जो है वो रिलीज होती है, यदि रिलीज होती है तो प्रोसेस कैसा हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट नाइदर विद कोल्ड वाटर नॉर विद हॉट वाटर, यानी ना ही ठंडे पानी के साथ और ना ही गर्म पानी के साथ, कौन सी मेटल इनमें से रिएक्ट करेगी। तो हम जानते हैं मैग्नीशियम जो है वो जनरली किसके साथ रिएक्ट करती है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आयरन ना तो कोल्ड के साथ करती ना हॉट के साथ, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, किसके साथ करती है, स्टीम के साथ, तो आंसर यही होगा, यानी एफ ही हो जाएगा आंसर। तीसरा कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, कोल्ड वाटर के साथ आराम से रिएक्ट कर लेती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और सोडियम तो भैया पानी के साथ पटाख से रिएक्ट करती है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है सोडियम, तो ये तो हॉट और कोल्ड दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहां पर केवल जो आंसर होगा वो होगा आयरन, यानी आयरन जो है वो स्टीम के साथ ही रिएक्ट करती है, ना ही ठंडे पानी के साथ और ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेगी, तो आंसर आपका हो जाएगा आयरन, यानी बी। एक्सप्लेनेशन में क्या हो सकता है इसका, कि सोडियम रिएक्ट विगरसली विद वाटर, सच इज द रिएक्शन दैट इज हैज टू बी स्टोर्ड अंदर केरोसिन, इसी वजह से हमें केरोसिन के अंदर रखना पड़ता है, किसको, सोडियम को। और जो कैल्शियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है, मैग्नीशियम रिएक्ट करती है हॉट वाटर के साथ, और हीटेड आयरन रिएक्ट विद वाटर व्हेन हॉट स्टीम इज पास्ड ओवर इट, यानी स्टीम उसके ऊपर पास करी जाएंगी तभी आयरन उसके साथ रिएक्ट करेगी, यानी वाटर की स्टीम होनी चाहिए, यानी भाप होनी चाहिए उसके साथ ही आयरन जो है वो रिएक्ट करके Fe3O4 यानी आयरन के कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एसर्शन दिया है और एक रीजन पूछा है, मतलब एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको बताना है कि ए बी सी डी में से क्या सही होगा। एसर्शन में आपको देता है, बेकिंग सोडा क्रिएट एसिडिटी इन द स्टोमच, यानी बेकिंग सोडा लेने पर जो एसिडिटी है वो क्रिएट होगी स्टोमक के अंदर, क्या ये बात सही है। हम जानते हैं कि बेकिंग जो सोडा होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी बेसिक होता है, अगर वो बेसिक है तो वो एसिडिटी को कम करेगा, ना ही कि एसिडिटी को बढ़ाएगा या एसिडिटी को क्रिएट करेगा, तो एसर्शन यहां पर क्या हो गया, रॉन्ग, तो एसर्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। और रीजन क्या दे रखा है, बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन, बेकिंग सोडा एल्कलाइन है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी बेसिक होता है, तो रीजन क्या है, ट्रू है,
और यदि assertion false है और reason true है तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रू होगा? क्या पहले वाला होगा जिसके अंदर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? नहीं, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ए और आर दोनों सही नहीं है हमारे पास। बी में क्या कह रहा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये भी सही नहीं होगा क्योंकि ए और आर दोनों सही है ही नहीं। तीसरे वाला कह रहा है कि ए ट्रू है लेकिन आर जो है वो फॉल्स है, लेकिन यहां पर जो है assertion true है, assertion sorry false है, reason true है, तो ये भी सही नहीं होगा। इसका मतलब केवल डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वही कहता है कि assertion जो है वो false है और reason जो है वो true है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर डी। चलिए, तो आंसर आपका डी हो जाएगा क्योंकि assertion जो है वो false है और reason जो है वो true है। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बेकिंग सोडा बींग एल्कलिक न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी इन द स्टोमक एंड रिमूव्स इट्स, यानी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिडिटी को रिमूव कर देता है, कौन? बेकिंग सोडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सेक्शन बी आता है। क्या आता है? सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के अंदर इस पर्टिकुलर सैंपल पेपर के अंदर केमिस्ट्री के इतने ही क्वेश्चन थे, यानी लगभग 5 क्वेश्चन थे जो कि हमने अच्छे से कवर कर लिए। चलिए अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में क्या होते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन दो दो मार्क्स के होते हैं, यानी हर क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के होंगे, आपके पास 6 सवाल पूछे जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि बायोलॉजी से कितने आएंगे, केमिस्ट्री से कितने आएंगे और फिजिक्स से कितने आएंगे। तो चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री के अंदर इस पर्टिकुलर सैंपल पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आया है हमारे पास, क्या है? डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड जो है वो पुअर कंडक्टर है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। गिव रीजन, इसका कारण बताइए कि ऐसा क्यों है कि डायमंड जो है वो पुअर कंडक्टर है लेकिन जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है। और या फिर इसके पास आपके पास एक चॉइस भी दी है, यानी ये क्वेश्चन या तो आपसे पूछता है 2 मार्क्स में या आपको चॉइस दे देता है। अब चॉइस में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है? लिस्ट 2 केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड मे बी डिफ्रेंशिएटेड एंड एक्सप्लेन हाउ, यानी दो रीजन बताइए जिसे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज बताइए इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाए। यदि हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब दे दी, दोनों के अंदर एक के अंदर इथेनॉल है दूसरे के अंदर इथेनोइक एसिड है और आपको कोई लेबल करके नहीं दिया, यानी दोनों के दोनों एक जैसी दिख रही है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन क्या है? तो उसके लिए आपको केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी, और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आप देखोगे वही आपको यहां पर दो केमिकल प्रॉपर्टी बतानी है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, डायमंड ऐसा क्यों है उसकी बात कर लेते हैं। सो डायमंड ऑल फोर, यानी डायमंड के अंदर जितने भी चारों वैलेंसी हैं कार्बन की, वो सब के सब बॉन्ड फॉर्मेशन में काउंट हो रहे हैं। क्यों? डायमंड कैसा होता है? कार्बन है, आगे 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, ऊपर भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता हुआ आ रहा है, ये कार्बन फिर फर्दर 3 के साथ, ये कार्बन फिर फर्दर 3 के साथ। इस तरीके से जो कार्बन है उसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन से लिंक है, यानी जुड़े हुए हैं, यानी कैटेशन प्रॉपर्टी के थ्रू आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, तो इस वजह से इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन आर अवेलेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए हमें चाहिए होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस वजह से ये जो क्या हो जाता है, क्या कि बैड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंस शेल में कार्बन के, जो इन्वॉल्व है क्या करने में? कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? कुछ इस तरीके से होती है। कुछ इस तरीके से होती है, यानी ये जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 3 बॉन्ड उसने बना लिए, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास रह गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो रहा है, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, तो वो फ्री टू मूव है तो वो हर जगह घूमता रहेगा। अब घूमता रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से कंडक्ट करवा पाएगा, इस वजह से जो है ग्रेफाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो डायमंड है वो एक गुड कंडक्टर नहीं होता है, वो बैड कंडक्टर हो जाता है। और जो इसके अंदर और का सवाल पूछा है उसको कैसे करेंगे हम? और के सवाल में आपसे पूछा गया था कि दो केमिकल प्रॉपर्टी बताइए जिससे आप इथेनोइक एसिड को और इथेनॉल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इथेनॉल जो है वो सबसे पहले रिएक्ट नहीं करेगा, किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। यानी इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है C2H5OH,
अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी Na2CO3 के साथ, तो यहां पर हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यदि हम इथेनोइक एसिड की यानी CH3COOH की रिएक्शन कराएं Na2CO3 के साथ, तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि यहां पर जो है वो सॉल्ट बन जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होने लगती है। क्या रिलीज होने लगती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती हुई हमें दिखती है। तो इसका मतलब हम इस तरीके से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक के अंदर हम सोडियम बाइकार्बोनेट डाल रहे हैं, दूसरे के अंदर भी डाल रहे हैं, तो ये जिसके अंदर हमें CO2 की गैस निकलती हुई दिखेगी। अब CO2 की गैस का पता कैसे चलता है? ब्रिस्क एफरवेसेंस साउंड क्रिएट होती है इससे, यानी आपने उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, तो जैसे ही आप अपने कान के पास लाकर देखेंगे तो आपको एक साउंड सुनाई देगी, जिससे आप पहचान पाएंगे कि अच्छा ये जो है एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड है, लेकिन दूसरा जो है वो एल्कोहल है, क्योंकि वो रिएक्शन कुछ नहीं देने वाला। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं, यानी दोनों में लिटमस पेपर को डिप करेंगे। अब क्योंकि इथेनोइक एसिड एक एसिड है, तो लिटमस पेपर को आप डिप करोगे तो कैसा हो जाएगा उसका कलर? लिटमस पेपर का रेड हो जाएगा, लिटमस पेपर का कलर जो है वो रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस का, तो हम पहचान पाएंगे कि अच्छा ये जो है इथेनोइक एसिड है। लेकिन दूसरे वाले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इथेनॉल एसिडिक नहीं होता है। तो इसके ऊपर आप लिख कैसे सकते हो कि इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, बट इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीजिंग CO2। ये दोनों रिएक्शन भी आप वहां पर लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इथेनॉल डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, बट इथेनोइक एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, क्योंकि उसके अंदर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज कर देता है। चलिए, तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 2 मार्क्स के अंदर ही, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, एक ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे ऑक्सीडेशन के लिए, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आप सुनते हैं कोई भी एजेंट होता है, एजेंट क्या होता है जो हमारे लिए कुछ काम करके दे, इसी तरीके से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो एक ऐसा सब्सटेंस होगा जो हमारे लिए ऑक्सीडेशन करेगा किसी चीज का। कौन कौन होते हैं जनरली? दो सब्सटेंस हम जनरली पढ़ते हैं, पहला एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, और दूसरा पढ़ते हैं एसिडिफाइड एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। एग्जाम्पल, इथेनॉल अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, यानी जो इथेनॉल है उसको यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में रखें तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो। ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा? इथेनोइक एसिड, यानी इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करने लगता है वो। यदि हम किसी इथेनॉल को एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में रखते हैं तो हमारे पास इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी जरूर बताइए कौन कौन से आपको पता है, और साथ में एक छोटी सी रिएक्शन दे दीजिए, जिससे आपको क्या होगा कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कोई भी आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता कि आपने ये चीज नहीं लिखी है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको आंसर करना है आपने एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है सेक्शन सी। सेक्शन जो सी है उसके अंदर आपसे 7 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं, यानी हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा और आपसे से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। केमिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अ स्टूडेंट एडेड वाटर टू अ एक्स सब्सटेंस। कोई सब्सटेंस एक्स है जो उसने बीकर के अंदर ले रखा है, उसके अंदर उसने एड करा है वाटर को, यानी हम बना लेते हैं एक बीकर जिसके अंदर कोई एक्स सब्सटेंस है। अब उसके अंदर वो क्या कर रहा है? वाटर एड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है? वाटर यानी H2O ऐड कर रहा है। ही फील्स द बीकर टर्निंग हॉट, वो देखता है कि बीकर जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लगा। एंड हीजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड, और जो साउंड है वो भी प्रोड्यूस होने लगी।
तो आगे कहता है व्हाट डज दिस हैपन, ये क्या हुआ है आपको ये बताना है, और साथ ही साथ केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो रिएक्शन इसके अंदर हो रही होगी उसके लिए, और आपको ये भी बताना है कि ये किस तरह की टाइप की रिएक्शन है, यानी टाइप ऑफ दिस रिएक्शन भी आपको बताना है। तो चलिए, तो सबसे पहले जो एक्स होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि वही वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसकी मदद से लार्ज अमाउंट में हीट लिबरेट होती है, क्योंकि बीकर गर्म हो गया है, इसकी वजह से बीकर गर्म हो जाता है, और जो सब्सटेंस एक्स जो है फिर हम कह सकते हैं कि वो कैल्शियम ऑक्साइड ही होगा। उसकी रिएक्शन क्या होगी, CaO प्लस H2O, यानी CaO सॉलिड वाटर के अंदर जब उसके वाटर उसके अंदर ऐड करा गया तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में हीट जो है वो रिलीज होगी। अब इसके अंदर दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये क्या हो गई, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। क्या हुई बेटा, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कंबाइन होकर एक सिंगल एंटिटी यानी सिंगल स्पीसीज बना रहा है, जो कि क्या है, COH का होल ट्वाइस है। तो इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस टेक प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। पहली इक्वेशन क्या है, जिंक रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिंक है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3। अब जो NO3 है Ag पॉजिटिव NO3 माइनस, जिंक जो है जनरली यहां पर जीरो में है लेकिन यहां पर प्लस टू में जाना पसंद करेगा, तो प्लस टू में जाएगा, इसका मतलब दो कंबाइन होंगे, अगर दो कंबाइन होंगे साथ में सिल्वर आ रहा है, इसका मतलब 2 Ag भार बनेगा, बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास पहली केमिकल इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन हो जाएगी, जिसके अंदर जिंक जो है वो रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, क्या बनाने के लिए, जिंक नाइट्रेट बनाने के लिए और सिल्वर बनाने के लिए। सेकेंड क्या है, पोटेशियम आयोडाइड यानी KI रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस टू प्रोड्यूस पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 और लेड आयोडाइड ये बना रहा है। चलिए तो अब इसको हमें बैलेंस करना होगा, तो क्या करेंगे, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 KI हो गए, यहां पर भी 2 KI हो गए, यहां पर 2 I है, यहां पर भी 2 I है, यहां पर Pb1 है तो Pb1 है, यहां पर KNO3 यहां पर 2 है तो यहां पर भी NO3 2 है, तो इस तरीके से हमारी ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो आपको हमेशा एग्जाम के अंदर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला है हमारे पास सेक्शन डी, क्या आ जाता है, सेक्शन डी आ जाता है, जिसके अंदर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लॉन्ग आंसर यानी 3 लॉग क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 5-5 मार्क्स से होंगे, यानी हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो चलिए देखते हैं, तो इसके अंदर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि गिव रीजन, आपको कारण बताना है ये 5 का, यानी A B C D E, ये 5 का आपको कारण बताना है। सबसे पहला, प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर की ही ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है, पहला ये बताना है। दूसरा, सोडियम पोटेशियम लिथियम जो है स्टोर करा जाता है अंडर केरोसिन, ऐसा क्यों है ये बताना है, ऑयल यानी केरोसिन ऑयल के अंदर जनरली स्टोर करते हैं। सी, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, एल्यूमिनियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, फिर भी हम उसे यूज करते हैं यूटेंसिल यानी बर्तन बनाने के लिए फॉर कुकिंग पर्पस, यानी कुकिंग में जो है हम काफी सारे बर्तन जो है एल्यूमिनियम के बनाते हैं, ऐसा क्यों है, इसका कारण बताना है। डी, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते वक्त हम जनरली जो कार्बोनेट्स होते हैं और जो सल्फाइड होते हैं उनके जो ओर्स होते हैं उनको हम ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्या कारण है उसका ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का, ये आपको बताना है। लास्ट है, लेमन और टेमरिंड जूस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग टार्निश्ड कॉपर वेसल, यानी जो कॉपर की वेसल ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है यानी ऑक्सीडेशन के कारण थोड़ी खराब हो जाती है, उनको आप क्यों लेमन और टेमरिंड के जूस के साथ ट्रीट करते हैं, चलिए ये बताना है आपको। तो सबसे पहला, जो प्लेटिनम गोल्ड और
सिल्वर है वो क्यों ज्वेलरी के लिए यूज करा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं इनकी सरफेस, और दूसरा हाई रेजिस्टेंट टू कोरिजन, यानी ये बहुत ज्यादा कोरिजन के शिकार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये इनर्ट बिहेव करते हैं, यानी बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, इस वजह से इनका आसानी से कोरिजन नहीं हो पाता। और अगला कारण है कि ये मेलेबाइल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी इनसे जो है थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, छोटा छोटा तार बनाया जा सकता है, जब भी तो ज्वेलरी बन पाएगी यदि उसको हम डक्टिलिटी के थ्रू छोटे छोटे गोल वायर में कन्वर्ट कर पाए, तभी हम नेकलेस वगैरह ये ज्वेलरी बना पाएंगे। तो इसलिए हम प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर को यूज करते हैं। सेकंड, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को स्टोर क्यों करा जाता है अंडर ऑयल, ताकि उसे प्रिवेंट कर सके उसकी रिएक्शन होने से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, तो ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट ना करें और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट ना करें, इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम जनरली स्टोर करते हैं अंडर ऑयल। और ऑयल कौन सा यूज करते हैं? जनरली हम केरोसिन ऑयल का यूज किया करते हैं। सी, एल्यूमिनियम मेटल जो है वो एक फॉर्म कर लेता है लेयर, किसकी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, यानी Al2O3 की एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से मॉइस्ट एयर के अंदर भी ये जो लेयर है वो प्रिवेंट करती है कि मेटल जो है वो कोरोड ना हो, और ज्यादा कोरोड ना हो, तो कोरिजन से एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर ये खुद बना लेता है, तो इस वजह से हम इसे यूज करते हैं। सेकेंड कारण ये है कि ये थोड़ा सस्ता है, आसानी से मिल जाता है, और मेलेबाइल और डक्टाइल है, यानी एक जैसे अलग अलग शेप देनी पड़ेगी कटोरी चम्मच की, तो हम इजीली उसको मोल्ड कर सकते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेलेबाइल और डक्टाइल है, इस वजह से हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं यूटेंसिल बनाने के लिए फॉर कुकिंग। और जो डी क्वेश्चन आपसे पूछा है, वो पूछा है कि ऐसा क्यों किया जाता है कि कार्बोनेट और सल्फाइड के ओर को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स के अंदर? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को लेना काफी इजी हो जाता है। सो इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। सो प्रायर टू रिडक्शन, रिडक्शन से पहले हम मेटल के कार्बोनेट और सल्फाइड के ओर को कन्वर्ट कर लेते हैं मेटल के ऑक्साइड में, और जो मेटल अ कार्बोनेट ओर इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाय कैल्सिनेशन, जबकि जो सल्फाइड ओर है उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, ये सब आपको पता है कि कैसे हम ऑक्सीडाइज करते हैं उसको, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो कहलाएगा रोस्टिंग, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेंगे तो कहलाएगा कैल्सिनेशन। ठीक है, तो हम उसको ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और फिर ताकि उसको रिडक्शन इजीली हो जाए, इस वजह से हम जनरली उसका ऑक्साइड बनाना पसंद करते हैं। चलिए लास्ट पार्ट हमारे पास है कि कॉपर की जो वेसल्स हैं उनको क्यों हम ट्रीट करते हैं लेमन और टर्मेरिक के जूस के साथ, ताकि उनको क्लीन कर सके। क्यों ट्रीट करते हैं? ताकि उनको क्लीन कर सके। क्यों? व्हेन कॉपर वेसल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर दे फॉर्म अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कार्बोनेट्स, यानी ये जो कार्बोनेट है इसकी एक ग्रीन कलर की लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है कॉपर के मटेरियल्स के ऊपर। सो जो खट्टा सामान होगा, यानी जैसे एसिडिक होगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का ऑक्साइड बना है एक तरीके से, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लेमन या टर्मेरिक जूस का यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं। अब एसिडिक नेचर के होंगे तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी जो बेसिक नेचर का ऑक्साइड बना है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, तो इसलिए हम उसको यूज कर लेते हैं। सो दीज एसिड डिजोल्व द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड और बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ टार्निश्ड कॉपर वेसल एंड मेक देम शाइनी रेड ब्राउन अगेन, ताकि वो दोबारा से रेड ब्राउन कलर के शाइन करने लगे, इस वजह से हम उसको क्लीन करने के लिए जनरली एसिडिक सब्सटेंस का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए, और मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो इस तरीके से पूछा है कि एन और ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव अ स्मेल लाइक दैट ऑफ रोटन एग्स, यानी कोई और है यदि हम उसको ट्रीट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो एक रोटन एग्स के जैसी स्मेल देता है। अब व्हाट टाइप ऑफ ओर इज दिस, ये किस तरह का ओर है वो आपको बताना है। हम इसे कंसंट्रेटेड कैसे कर सकते हैं ये बताना है। हाउ कैन द मेटल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, इस कंसंट्रेटेड ओर से हमें मेटल कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा, उसके बारे में भी बताना है। तो जो गैस होती है जो स्मेल हमें कर रही है कैसी, रोटन फिश रोटन एग लाइक, वो होती है H2S गैस, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। हेंस द ओर इज सल्फाइड, और तो सल्फाइड गैस रिलीज हुई है, इसका मतलब और कैसा होगा, सल्फाइड का होगा।
यानी द ओर इज सल्फाइड ओर, इट इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर इन टू स्टेप्स, दो स्टेप में होगा, पहला रोस्टिंग होगा, दूसरा रिडक्शन होगा। रोस्टिंग क्यों होता है? क्योंकि हम सल्फाइड के ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी रोस्टिंग क्या है, हीटिंग द ओर स्ट्रॉन्गली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, द मेटल सल्फाइड इज कन्वर्टेड इन टू मेटल ऑक्साइड एंड अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ सल्फाइड डाइऑक्साइड गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ यहाँ पर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन, ये जो मेटल ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा, किसकी मदद से, कार्बन की मदद से, क्योंकि कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, यानी रिड्यूस कर देता है, और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है और हमें मेटल मिल जाती है। तो इस तरीके से हम जो है मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यदि वो सल्फाइड का है, यानी पहले उसको रोस्टिंग करेंगे, फिर उसको रिडक्शन कर देंगे कार्बन के साथ, ताकि हमें मेटल का फॉर्मेशन हो सके, मेटल मिल सके। चलिए अब हमारे पास लास्ट सेक्शन आता है, वो होता है सेक्शन नंबर ई, यानी ई सेक्शन, जिसके अंदर आपसे तीन सोर्स बेस्ड या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 4 मार्क्स के होते हैं, यानी तीनों क्वेश्चन जो है 4-4 मार्क्स के होंगे, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको एक टेक्स्ट दिया है उसको आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको आंसर करना है क्वेश्चन का। तो टेक्स्ट क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ एच पॉजिटिव और नंबर ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें, यानी कि HCl लें और एसिटिक एसिड लें सेम कंसेंट्रेशन के लिए, यानी दोनों की कंसेंट्रेशन सेम हो, से 1 मोलर, मान लो 1 मोलर है दोनों की कंसेंट्रेशन, तो ये डिफरेंट अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, जो एसिड है वो एच पॉजिटिव आयन ज्यादा देगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो एसिड वीक एसिड होगा वो एच पॉजिटिव आयन कम देगा। सो कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर, तो आप बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस क्या है। ये आपको एक पीएच पेपर भी दिया है, जिसके अंदर 0 से लेके 14 तक डिफरेंट डिफरेंट पीएच है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, कि गैस्ट्रिक जूस का जो है pH 1 के अराउंड होगा, फिर लेमन का 2 के अराउंड होगा, प्योर वाटर का 7 होगा, मिल्क का अराउंड 10 होगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन का अराउंड 14 होगा। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला पहला क्वेश्चन इसके अंदर पूछता है, फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न इन टू कर्ड, कि पीएच पहले किसी फ्रेश मिल्क का 6 है, यदि आप उसके अंदर कुछ चीज मिलाकर उसे कर्ड में कन्वर्ट कर दें, यानी जब ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी पीएच कैसे चेंज होगी, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में, आपको वो बताना है। इज गैस्ट्रिक जूस अ वीक एसिड, क्या गैस्ट्रिक जूस है वो वीक एसिड है। थर्ड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एसिड और बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है, वो क्या एसिड है या बेस है, ये आपको बताना है, और किस पर्पज के लिए हम उसे यूज करते हैं, यानी पर्पज क्या है उसको यूज करने का। या फिर और करके एक सवाल आपसे और पूछा है कि व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा आफ्टर द मील, यानी खाना खाने के बाद जो सलाइवा होता है उसकी पीएच क्या हो जाती है। चलिए सबसे पहला, पीएच यदि किसी मिल्क की क्या है, 6 है, यदि उसे हम चेंज कर दे कर्ड में, कर्ड में चेंज करेंगे, और हमें पता है कर्ड जो है वो खट्टी होती है, खट्टी मतलब एसिडिक होती है, अब एसिडिक होती है तो उसका मतलब पीएच जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर, सो द एसिड्स प्रेजेंट इन इट डिक्रीज द पीएच, तो कर्ड होगा जो उसकी पीएच जो है वो 6 से कम हो जाएगी क्योंकि वो एसिडिक है। सेकेंड, जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो एक वीक एसिड होता है, और थर्ड पॉइंट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक बेस है, और इसे यूज करते हैं एज एंटा एसिड। एंटा एसिड्स क्या होते हैं, एंटा एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जब जनरली किसी को एसिडिटी हुई हो तो वहां पर यूज करे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये जो है वो बेसिक नेचर का होगा तभी उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि तभी तो वो एसिडिटी को कम करेगा, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो पीएच होगी सलाइवा की वो आफ्टर मील कितनी हो जाएगी, तो आफ्टर मील खाना खाने के बाद जो सलाइवा की जो पीएच होती है वो अराउंड 5.8 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 5.8 हो जाती है। तो बेटा इसके अंदर जो है हमने केमिस्ट्री पोर्शन के 10th क्लास में साइंस के सारे सारे क्वेश्चंस देख लिए, यानी सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन आए हैं, बी में, सी में, डी में, ई में, तो इस तरीके से आपके पास 5
सेक्शन आते हैं जिसके अंदर हमने केमिस्ट्री पार्ट का सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो चलिए अगले वीडियो में आपसे जो है फिजिक्स के डिस्कस करे जाएंगे, इसी तरीके से बायोलॉजी के डिस्कस करे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।